What's up everyone? Welcome back to the channel. तो first week हमारा strategy का हुआ, test भी हो गया आप लोगों का, और मुझे बच्चों ने बताया कि business studies में थोड़ी सी problems आ रही हैं. तो आज की इस video में हम specifically बात करेंगे business studies की, कि किस तरीके से business studies में problems हैं, और उन सभी के solutions आप लोगों को provide करता हूँ, ताकि आप business studies को एक proper manner में prepare कर पाओ और फुल स्कोर कर पाओ. ये टिप्स आपके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेंगे. तो आओ इस जबरदस्त वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करते हैं. चलिए लेट्स बिगिन. तो आप लोग को पता है बिजनेस स्टडीज मेरा खुद का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और आज भी मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है यार ये सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बट आई डोंट नो वाई हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि बिजनेस स्टडीज़ कितना ज़्यादा रिलेटेबल है, कितना ज़्यादा हमारी रियल लाइफ के साथ ये जुड़ता है. और अगर ये सही से पढ़ा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड सबसे ज़्यादा नंबर इसमें आ सकते हैं. तो क्या क्या सिचुएशंस हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे एक रेगुलर बेसिस पे देखने को मिली, लगातार मेरा इंस्टाग्राम का डीएम्स, मेरे मेल्स, वो सब इन प्रॉब्लम्स के साथ भरे रहते हैं. तो क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली प्रॉब्लम कि सर थ्योरी लर्निंग में बड़ी समस्या है, याद नहीं हो पा रही. और इसी के साथ मैं एक चीज़ रिलेट करूँगा जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 है, कि पहली चीज़ तो याद ही नहीं होती और जो याद होता है वो याद नहीं रहता. तो इसका क्या सॉल्यूशन है, लर्निंग का क्या सॉल्यूशन है? अब देखो, चाहे आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश भी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी लिटरेचर आपको याद करनी पड़ती है. यहाँ पे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए, आपको इंटरनली चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. कोई भी बोर्ड में वर्ड टू वर्ड लिख के नहीं आ सकता, कोई नहीं लिख सकता यार. कोई किताब थोड़ी ना लिखनी है, तुम किताब लिखने जा रहे हो या पेपर देने के लिए जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना होता. आप लोगों को हेडिंग्स लर्न करनी है. सर हेडिंग्स कैसे लर्न होंगी? हेडिंग्स लर्न होगी एक नोट्स कॉपी बना के. एक अपनी नोट्स कॉपी बनाओ, उस नोट्स कॉपी में हेडिंग्स लिखा करो. जो जो मैं वीडियोस में पढ़ाता हूँ वो साथ साथ नोट्स बनाया करो, लिखा करो. याद लिखने से होता है. और वीडियोस को जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा बार देखा करो, वीडियोस को सुना करो. देखो, आप लोग कभी गाने याद करने की कोशिश करते हो क्या? बट फिर भी वो याद हो जाते हैं ना, क्योंकि आप उसको उतनी बार सुनते हो, आप उतनी बार वो चीज़ आपके माइंड में घूमती है. तो वीडियोस आप जितनी बार देखोगे उतना अच्छे से आपके माइंड में वो चीज़ें जाएंगी, वो हेडिंग्स जाएंगी. साथ साथ लिखो, साथ साथ नोट्स कॉपी बनाओ, साथ साथ प्रैक्टिस करो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी धीरे 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 धीरे. एकदम से नहीं हो पाएगी, वीकली बेसिस पे खुद को एनालाइज करो. हमारी जो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है उसमें वीकली टेस्ट हो रहे हैं, वो टेस्ट दो. टेस्ट में आपका एनालिसिस होगा प्रॉपर्ली, सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी. दूसरी समस्या क्या आ रही थी? दूसरी समस्या आ रही थी सर केस स्टडीज. केस स्टडीज के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी करूंगा कि केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है. बट अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, केस स्टडीज में पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन से चैप्टर को रिलेट करो कि किस चैप्टर का है, चैप्टर से कॉन्सेप्ट को रिलेट करो, और फिर आपके काम आएगी आपकी नोट्स कॉपी. मतलब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, पूरा केस स्टडी मत पढ़ा करो, सिर्फ उसके नीचे क्वेश्चन पढ़ा करो. ठीक है, लाइक सपोज नीचे आ गया आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ फेओल हाईलाइटेड. तो प्रिंसिपल ऑफ फेओल अगर उसने पूछ लिया तो मैं समझ गया चैप्टर 2 से है, तो यानी मेरे माइंड से बाकी चैप्टर्स खत्म. एक बार चैप्टर आ गया फिर मैं सोचूंगा कि फेओल के प्रिंसिपल्स ये कॉन्सेप्ट है. फिर मैंने फेओल के प्रिंसिपल्स अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, नोट्स कॉपी में लिखी होंगी, एकदम मैं क्रैक कर दूंगा पूरी केस स्टडी. तो केस स्टडी क्रैक करने के ये स्टेप्स हैं. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से फिर चैप्टर रिलेट करो कि कौन से चैप्टर का सवाल है, चैप्टर से फिर कॉन्सेप्ट रिलेट करो, और कॉन्सेप्ट सीधा नोट्स कॉपी में चले जाओ. ठीक है, अब सर ये तो हो गया, समस्या आती है कि आंसर लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे करना है. तो यार देखो, प्रेजेंटेशन के लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस. प्रेजेंटेशन के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको लिख लिख के देखना होता है. आपको सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी सीधा सीधा हमारी वीडियोस से, प्लस आपकी बुक्स. ठीक है, आप जो NCERT रीड कर रहे हो, आप जो साइड बुक्स यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मेरी बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आप किसी और की बुक यूज़ कर रहे हो, या कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो, उन बुक से. वंस यू आर डन विद दिस, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास सैम्पल्स प्रैक्टिस करना. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास सैम्पल्स प्रैक्टिस करना कि सर मुझे थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं,
मुझे थोड़े से assertion reason मिल जाएं कि latest, as per latest pattern, assertion reasoning मिल जाएं, मुझे थोड़े से केस बेस्ड questions मिल जाएं और उनके साथ answers भी मिल जाएं। एक बात याद रखना, वो chapter wise होने चाहिए। पहले तो आपको chapter wise practice करने चाहिए, उसके बाद आप वो final 10-10 साल के पेपर सॉल्व करना, सबसे पहले आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करो। तो उसके लिए आप लोगों को कोई अच्छी बुक्स मार्केट से देखनी पड़ेंगी। मार्केट्स में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, अलग 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 ब्रांड्स की किताबें मिलती हैं, अलग अलग नाम की किताबें मिलती हैं, बट एक ब्रांड जो सबसे पॉपुलर है, मैं कई सालों से बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, मैं कई सालों से खुद यूज़ करता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ, वो है हमारे पास ओसवाल। तो ओसवाल गुरुकुल जो ब्रांड है, इनकी बुक सबसे बेस्ट किताबें होती हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ इस तरीके की इनकी लेटेस्ट बुक्स हैं जो मार्केट में आई हैं, मैं खुद मार्केट से लेके आया हूँ, और ये किताबें आपकी मदद करेंगी। देखो, ओसवाल गुरुकुल और दिस इज CBSE क्वेश्चन बैंक। सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे इस किताब की, सबसे अच्छी बात जो है, ये ऐसी बिजनेस स्टडीज़ की भी आती है, सेम इकोनॉमिक्स की भी आती है, सेम अकाउंटेंसी की भी आती है, तो आपको ये बुक्स बहुत मदद करेंगी। इनकी बेस्ट चीज़ें क्या हैं, इनकी जो बेस्ट बात है, एक तो जो मैंने बताया आपको, चैप्टर वाइज सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं, ठीक है, प्लस हर प्रकार के क्वेश्चंस, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस ऑफ MCQs, रीजन असर्शन बेस, केस बेस, इलस्ट्रेटेड चैप्टर समरी, जो हमें समरी चाहिए रिवीजन के लिए, वो सब ये एक ही किताब में कवर होती है। तो आप लोग का जो वे है ना, कि मैंने वीडियोस देख ली, मैंने अपनी एक बार बुक रीडिंग कर ली, अब मैं 90% प्रिपेयर्ड हूँ, वो जो 10% जो 100 नंबर पे आपको लेके जाएगा, वो यही लेके जाएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस तो चाहिए ना, कि मैंने चैप्टर वन खोला, सर चैप्टर वन खोल लिया, अब चैप्टर वन के अंदर मुझे हर प्रकार का सवाल दिख रहा है, जैसा सपोज मैंने ये खोला तो मुझे मल्टीपल चॉइस मिल गए, मल्टीपल चॉइस दिए हुए हर चैप्टर के, मल्टीपल चॉइस के बाद मुझे फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल गए, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ट्रू फॉल्स मिल गए, मैच द फॉलोइंग मिल गए, उसके बाद केस बेस्ड मिल गए, तो हर तरीके का सवाल जब आप देख लोगे तो यार हो ही नहीं सकता नंबर कट जाए। तो इसी तरीके से तो प्रिपेयर करना है, और कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, यही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है। और यहाँ से जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपको, वो रहेगा ये जो कॉन्फिडेंस खत्म था, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट तो ऐसे ही होगा ना, आपने प्रिपरेशन पूरी करी, और पूरा एक ही बारी में सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं हो सकता भाई, टाइम दिया है CBSE ने, 12 महीने दिए हैं पूरे, 12 चैप्टर बिजनेस स्टडीज के तैयार करने हैं या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो पूरा टाइम को डिवाइड करके चलो ना। मैं आपको वीकली बेसिस पे चीज़ें करा रहा हूँ हमारी स्ट्रैटेजी में, लास्ट वीक में हमने ऑर्गेनाइजिंग करा, स्टाफिंग शुरू करा, और वीक में टेस्ट भी लिया मैंने ऑर्गेनाइजिंग का। तो आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट लिखोगे, वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप होगा, आपको अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ यार ये मेरा हो गया, मैंने बुक भी पढ़ ली, मैंने वीडियो भी देख ली, मैंने सैम्पल्स भी सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लिया, और अब मैंने टेस्ट दिया तो कॉन्फिडेंस आया। अभी चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहे हैं, इसके बाद मैं तुम्हारे बुक वाइज टेस्ट लूंगा, पार्ट ए पार्ट बी, फिर मैं पूरा बिजनेस स्टडीज के टेस्ट लूंगा, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, मजा आ जाएगा यार, और कैसे तैयारी करनी है। इसी तरीके से तो अकाउंट्स करना है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स करना है, इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज करना है, तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही आएगा। और ये जो याद नहीं रहता वाला केस है ना, ये वही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर तुम्हें लगता है ना कि ये सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम है, बाकी को तो याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम है, मैं भी भूल जाता था, फिर मैंने लिखना शुरू करा, लिखा वीकली, उस चीज़ को रिवाइज करता था, फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर पढ़ लिया रैंडमली, तो पढ़ते 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 मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो गई और मुझे सब याद रहने लगा। तो दिस इज़ दी वे, जब आप सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, और इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सारे मैंने आप लोगों को दे दिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को दे दिए, और आप लोगों को बता भी दिया कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो बस अब पढ़ते चलो और साथ साथ तैयारी करते चलो, क्योंकि आने वाले 3 महीने, ये अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपनी अकाउंट्स भी, बिजनेस स्टडीज़ भी, इकोनॉमिक्स भी, और फिर तुम्हें पता है एग्जाम से पहले मैं बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी ले आता हूँ, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स भी ले आता हूँ, शायद मैं इस साल भी ले आऊँ, तो तब की तब देखेंगे। अभी फिलहाल हमारे जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और फोड़ना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फील फ्री टू गेट इन टच ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा मेल आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। अब फ्लडेड मत कर देना मेरा मेल, कहीं भर दो, अलग अलग जगह पे मैसेज करा करो, कुछ इंस्टाग्राम पे। और एक चीज़ और, आधे बच्चे सोचते हैं मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं कर रहा, भाई साहब मैं पढ़ लेता हूँ,
बट बहुत सारे मैसेज होते हैं तो इंडिविजुअली सबको रिप्लाई कर पाना मुश्किल है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख के भेजो, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा और कॉमन प्रॉब्लम्स का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं कुछ और नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।